और भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप को तबाह किया गया है और जैश के कई कमांडर इसमें मारे गए हैं, जिसमें जैश के मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर भी शामिल है। यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गौरी वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मारा गया है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल यूसुफ का नाम इंटरपोल की लिस्ट में भी शामिल है और एक बड़ी कामयाबी इस हमले के बाद। क्योंकि इंटरपोल को भी यूसुफ की तलाश थी और वायुसेना की कार्रवाई में जैश के जो कई कमांडर हैं उनको ढेर कर दिया गया है। तो भारतीय वायुसेना की एक बड़ी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी कैंप्स जिनको तबाह किया गया है। 21 मिनट तक एयरफोर्स की यह सर्जिकल स्ट्राइक चली। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप्स थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया और 250 से 300 आतंकी बताए जा रहे हैं कि इसमें मारे गए हैं इस हमले में, क्योंकि वहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था।